शुक्रवार राती भेजे मलेशिया गए शुक्र डालन गए ऐत राती आ गए सोम सवेरे अमृतसर दिने मैनू उत्थे मलेशिया जो मैं पिछले साल गया सी ना एक मुसलमान परिवार मैनू मेरे कन्ना नू हाथ लग गए पिछले साल एक मुसलमान परिवार आया सी जिन्हां घर रुके सां अनिल जी मोहनजीत सिंह ना वो मुसलमान परिवार आप सी ओ पत्नी पति सी ओदा ते दो बेटियां सी एक जवाई सी नाल बेटा वो मुसलमान परिवार ने पिछली बारी गया सी जो पिछले साल में गया कहते भी साढ़े घर ना साढ़े रिश्तेदारी विच्चों गलत टूने मंत्र पढ़ के ते बड़े लोग वार करते ने साडा कोई काम सौरदा ही नहीं पे ये उन्होंने ना बहुत होंगे जी ए मंत्र पढ़ के वार कर देना मुसलमान परिवार है पिछली बारी मैं ना भोले पा मैं मैं इन्हों की कह ना बेचारे मलेशिया के मुसलमान ने ना पंजाबी ना होर मैं फिर एक काम कर लो जल का रख के ना कटोरा होर कुछ ना करो तुम मुसलमान हो जो अल्लाह जपते हो जपो जो तो डर है ना भी थोड़ा इधरों कोई गलत काम हो रहे ने रिश्तेदारा चो या किसी विचों साडा कोई काम चलता ही नहीं तुरता ही नहीं कोई भी काम सब बजे पे ने मैं कह एक काम कर लो सिर्फ छे अष्टपदियां सुखमनी साहब दियां जल रख के पढ़ लिया करो ते अपने घर के अंदर ही ना चारे दिशा विच चारे कंधा ते ना जल का तरौंका दे दियो मैं क्या गुरु नानक की कृपा नाल जेड़ा भी कोई वार करेगा वो अंदर एंट्री नहीं हो सकती वो इन्ने भोले सी मैनू उन्होंने 15 मिनट बाद भी पूछा भी जल घर के बाहर की एंट्री से तरौंकना कि अंदर की मैं क्या बाहर तरौंकोगे आंडी गुआढ़ी वेखण के की कर रहे रोज दुद्ध पाओगे फिर थोड़े से शक करे पता नहीं की कर रहे अपने घर में मैं क्या अंदर ही वार्ड ला लो ये कोई गुरकबाल सिंह नहीं बोल रहा आ बाणी पढ़ो ये वाड़ा लगदी है ताती वाओ ना पार ब्रह्म अगली पंक्ति पढ़ो तुहानू ये अर्थ सांझे हो जाणगे चौगिर्द हमारे राम राम बाणी कह रही राम कार की है यही राम जो तुसी बाणी पढ़ी है कोई चीज रख लो तेल रख लो जल रख लो ओदी फिर वाड़ लगदी ये मैं गुरु की हजूरी च कह रहा जे हुण शुक्र रात गए हैं सोमवार सवेरे वापसी हुई है और यह भी तुहानू वधाई जे मलेशिया विच चपहरा संगत ने चपहरा कटिया जे फिर कटिया भी शुक्र रात गए हैं तो शनिवार दोपहरी 1 बजे तो 8 बजे तक चपहरा सी मैं कहन डिया सामनदीप सिंह नूं मैं क्या कितों संगत आएगी शनिवार का दिन पढ़े लिखे लोग कमां कारां वाले लोग 1 तो 8 चपहरा रखता है तो संगत कितों वर्किंग डे विच फिर 7 घंटे बहना महाराज की हजूरी गुरुद्वारा तत् खालसा गुरुद्वारे का नाम से तत् खालसा और मैं हैरान रह गया बाहर दिया संगत जो चुपहरे का इन्ना चा जिनी संगत तुसी इस वे बैठे हो ना इस तो वड्डा हाल 1:15 भरिया पिया संगत अखां चथरू आ गए मैं क्या वेखो संगत बाहर भी चुपहरा कट्ट का किड्डा चा हैगा जी के आखो सतनहा कि मलार है कि प्यार है संगत ध्यान देना हूं मैं गया ना वो परिवार 3-4 डब्बे फड़े हुए मुसलमान परिवार उ लिफाफा रखे हुआ भलाई केंद्र सेवा का मोहनजीत सिंह घर जिन्हें घर आए मैं हम पंजाबी बोलता वो नहीं समझते वो अंग्रेजी बोलते मैं तुम्हें पता छियाड़े तक पढ़िया मैं वो फिर विचोला पाना पैंता तो उन्होंने जो अपनी बोली च किया मैं क्या की कहें ने कहें ये कह रहे ने जड़ा अंग्रेजी का गुटका दिता है 6 अष्टपदियां जल रख के घर के चारे पासे अंदर जल तरौंकना ये कह रहे ने जदों दियां 6 अष्टपदियां शुरू कीतियां
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਵੇਂ 80% ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 10 ਵੀ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾੜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਦਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋ, ਕਿ ਤਵੀਤਾਂ ਕੋ, ਧਾਗੋ, ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਯੂਬ ਖਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜ ਲਾਂ। ਕਹੀ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 6 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਕੇ